अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे आई विल टीच यू हाउ टू मेक मॉकअप लोगोस। आपने जस्ट डाउनलोड करना है और आपने अपना लोगो फिट करना है और ये आपका मॉकअप बन जाएगा। सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू पर जाना है। क्रिएट न्यू पर जाने के बाद आप अगर न्यू फाइल बनाना चाह रहे हैं कोई दूसरे साइज की तो आप कर सकते हैं। मैं ओपन करूँगा, क्रिएट न्यू पर कर देता हूँ। ओपन करने के बाद जो आपका लोगो है वो आपने ओपन करना है। अब ये लोगो जो मैंने बनाया था ये आ चुका है। अब एज इट इज़ फाइल आपने रखनी है, ये सब आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं, बाकी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपने बस ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाकर आपने लोगो डिज़ाइन करना है और ओके कर देना है, आपका लोगो तैयार हो जाएगा। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। अभी न्यू कैनवस पे ओपन हो गया, ये दूसरा लोगो सही है। बैकग्राउंड मैंने इसको पीएनजी में रखा है इसको, और ये मैंने इसको रख दिया था। अब इन सबको हटाते हैं और एक नया लोगो बनाते हैं, कोई ई एंड एन जी को कंबाइन करके। तो कैसे बनेगा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद यहाँ पर मैं ई पहला अल्फाबेट आ गया हमारे पास। अब इसको आपने थोड़ा सा डार्क रखना है और बाकी इसका जो टेक्स्ट होगा वो आपने फुल रखना है ताकि लोगो एचडी में आए। इसका आपने फंट देख लेना, मैं फंट रख देता हूँ एरियल राउंडेड एमटी बोल्ड। ये इसका फॉन्ट देगा, अब फॉन्ट रहोगी इसका। अब मैं इसकी जो लेयर्स हैं इसको मैं कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करूँगा, कंट्रोल प्लस वी से प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी प्रेस। एक और बार प्रेस करूँगा, तीन होगा सही है, ये तीन हैंगे। अब ई ई ई, अब बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं इसको ई एन, क्योंकि मैं अपना लोगो बना रहा हूँ तो उसमें एंड आता है सही। अब आ गया आपका ई एडिट्स एंड ट्रिक्स, सही है। आपको बताता चलूं कि मैं फोटोशॉप सी सी 2018 यूज़ कर रहा हूं, तो आप कोई भी मतलब फोटोशॉप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप ये कर सकते हैं। बाकी ये फ़ाइल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट से आप और भी लोगों की टेम्पलेट्स डाल सकते हैं। अब इसको डिज़ाइन करते हैं, ये नीला हो गया। अब मैं इसको रेड कर देता हूँ, सही है। और जो इसमें ब्लैक कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये अलग अलग हो रहा है, इसको ऐसे आपने मिक्स कर दूँ, सही है, ये आ गया आपने। अब बात रही इसकी, तो आपने अब इन लेयर्स को रेस्टराइज करना है। पहले इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ, ऑल्ट प्लस शिफ्ट अभी क्लिक से मैं बड़ा कर रहा हूँ, सही है। बड़ा इस वजह कर रहा हूँ ताकि आपका जो टेक्स्ट है उसकी कंडीशन, उसके पिक्सल्स उसके सही है। अब मैं एक एक करके लेयर को रेस्टराइज करता हूँ। राइट क्लिक करें और रेस्टराइज को क्लिक करें, राइट क्लिक करें, सारों को आपने स्ट्राइज करना है। करने के बाद आपने करना क्या, पेन टूल्स की मदद से आपने अपना लोगो डिज़ाइन करना। तो इसमें आपका एक मिनट डिज़ाइन ही होगा अगर आपको पेन टूल यूज़ करना आता है, इजीली आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा ताकि इसमें टाइम ना लगे। ई का हम रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल बी सिलेक्ट हो गया, अब बी का भी कर लेते हैं हम। बाकी आप ये भी बताएं कि कौन सी वीडियोस में अपलोड करूं, कौन से लोगोस की आपको वीडियोस चाहिए ताकि मैं वो अपलोड करूं। रिक्वेस्ट करें, कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। अब देखेंगे मैं इसकी जो रेस्टराइज करने के बाद
मतलब आसान काम तो नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। आप ये चीज़ एक बार अप्लाई करके कर सकते हैं और आपका हाथ बैठ जाएगा। पेन टूल की मदद से आप दूसरे लोगों को भी कॉपी कर सकते हैं। इसकी वीडियोस मैंने बनाई है, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उसका मैं। और बाकी आप और अगर उसका टेम्पलेट आपको चाहिए तो वो मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगा। अब मैंने इसको मैच सिलेक्शन किया उसको, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि जितना भी बारीक में देखूँगा ये तो फिर उसमें मसला होगा। तो मैं इससे बेहतर है मैं अपना इससे बेहतर है आप यूज़ कर सकते हैं इरेजर। इरेजर इस वजह से यूज़ करूँ क्योंकि इसके कट्स आप देख सकते हैं कि इसके कट्स इरेज के मुताबिक हैं। ये देखें, देखना क्योंकि अब एक्सेप्ट दे रहा है, तो इरेज यूज़ कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो। मैं ज़रा इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन इंटर क्रिएट इधर आ गया। ये देखें आपका लोगो ऐसा हो गया क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी करा तो आप इसको ठहर ठहर के दीजिएगा ताकि सेल्फी लुक मिल जाए। अब मैं अगर नाम लिख देता हूँ इसका सही। अब जैसे आपने इसका कॉम्बिनेशन दिया तीन कलर्स का तो आप उसी के मुताबिक इसका टेक्स्ट भी देखें। आपने करनी कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट एक ही लेयर पर आप उसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब इधर रेड है तो आपने इधर ब्लू कर देना, और ये अब इधर ब्लू आना था तो आपने इसको रेड कर देना। अब आप इंटर करें, अब बीच में आपका ब्लैक है इसको ब्लैक ही रहेंगे। अब आपने करना है क्या, तो शिफ्ट से ऑल लेयर सेलेक्ट करनी है और इसको ऊपर करना है, और फिर इसका जो आपने इंटर करना है कंट्रोल प्लस एस करना सेव हो जाएगा। इसकी सेटिंग थोड़ी बिगड़ चुकी है जो मैं सेट कर देता हूँ। जस्ट आपने इस पर डबल क्लिक करना है और ये दूसरे कैनवास पे ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो आपने जब अपना लोगो बनाना है और इसको सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा हो जाएगा। और अगर आपने इसका बैकग्राउंड को दूसरा रखना है तो आप रख कर चेक कर सकते हैं ताकि आप कर सकें। तो इसमें मसले भी हो सकते हैं कुछ तो आपने चेक कर लें। ये देखें इधर इसकी दूसरी फाइल ओपन हो गई है, तो आपने काफ़ी मतलब देख कर करना है ताकि आपका लोगो खराब ना हो। तो आप इसके पीछे देख रहे होंगे कि हल्की इसकी इफेक्ट आ रहे हैं। इफेक्ट इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने जो लोगो बनाया है उसको हमने टेक्स्ट साइज को छोटा बड़ा करा है, तो आपने एक्यूरेट करना है ताकि ये मसला ना हो। और ये फाइल मैं दे दूँगा आपको, आप इसी की मदद से अपने 3D वॉल लोगो बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें, बताएं वीडियो कैसी लगी।